भागलपुर में खाकी एक बार फिर से दागदार होते नजर आ रही है और इस बार घेरे में है विश्वविद्यालय थाना पुलिस, जहां थाना में मामला दर्ज कराने गई पीड़िता के शिकायत पर कार्रवाई के बदले पुलिस ने कहा कि खून बहेगा तभी दर्ज होगा मामला। यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक पीड़िता की दास्तान दर्द का वह आईना है जिसमें दिखता है एक पिता की क्रूरता की नई परिभाषा, गढ़ता बेटी का थरथराता अक्स जो आज तंग आकर अपनी बहन के साथ पहुंच गई एसएसपी के दर पर दस्तक देने। मामला भागलपुर जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र मोहल्ला साहिबगंज की रहने वाली राधिका का है, जो अपने पिता अरुण साह, भाई अमित कुमार और भौजाई तुलसी देवी के आतंक से परेशान है और आज इसी परेशानी से तंग आकर उसने जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया से गुहार लगाने पहुंची। 2014 में राधिका का विवाह इसके पिता ने पड़ोसी राज्य झारखंड के दुमका जिला हंसडीहा निवासी निरंजन साह से कराया था, जो नशेड़ी निकला, बात बात पर पत्नी की बर्बरता से पिटाई और गाली गलौज मानो उसकी दिनचर्या थी। इस नियति से और लंबा साक्षात्कार करते रहना, जब पीड़िता सहने में सक्षम नहीं रही तो वह अपने दो बच्चों संग में के चली आए और जब तक माँ का साया रहा सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके गुजरते ही पिता एकदम से क्रूर हो उठा और ऐसी बदसलूकी करने लगा जिसे देख सुनकर शर्म भी शर्मसार हो उठे। बहरहाल पीड़ा जब हदें पार कर गई तो वह शिकायत लेकर थाने पहुंची, जहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने यह कहकर उसे चलता कर दिया कि खून बहेगा तभी करेंगे मामला दर्ज। निराश पीड़िता ने एसएसपी के दर पर दस्तक दी, तब कहीं जाकर 3 दिन बाद मामला दर्ज हुआ। बड़ा सवाल है कि एक पिता भी क्या इतना क्रूर हो सकता है जो अपनी ही संतान के प्रति इतनी नीचता पर उतर आए। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान के आदेश पर मामला कागजों पर उतर आया है, लेकिन दर्ज शिकायत में पीड़िता के खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा, जिसके इंतजार में थाने के अधिकारी भी बैठे रहे। तो क्या सचमुच राधिका को उसके पिता से मिल पाएगा निजात, या इस बार उसे न्याय के लिए लहूलुहान होना पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट। मेरे साथ मेरे पिताजी ने मारपीट और मेरे भाई बड़े भाई जी ने बहुत मारपीट किए। 7-8 रोज से वो मुझे इतने गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने ये बोला कि अगर तुमको कमाना खाना है तो तुम 2000 रुपया का बोर्ड लगा दो, बोर्ड लगा करके कस्टमर आएगा कस्टमर से कमा लेना। इतनी गंदी गंदी अभद्र बातें बोलते हुए उन लोगों ने बहुत मारा। अच्छा, आप ससुराल में क्यों नहीं रहते हैं? ससुराल में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि 7 साल पहले हम ससुराल छोड़ चुके हैं। एक नहायत पीने खाने वाला मारने वाले से मेरे पिताजी ने शादी करा दी थी, उसे हम लोग छोड़ के चले आए। बोले कि हम अब नहीं रह पाएंगे क्योंकि न वो मुझे कमा के खिलाता है, ना ही बच्चों का परवरिश कर रहा है। इस कारण से हम 7 साल पहले ये छोड़ दिए हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2009 में हुई थी। गार्जियन की मर्जी से आप अपने से? गार्जियन की मर्जी से, बकायदा हमें ना लड़का दिखाया गया था ना लड़का को लड़की देखा था। जो पसंद किए मेरे पिताजी पसंद किए थे। कहाँ आपका ससुराल है? मेरे ससुराल जिला दुमका का है, हसडिया। अच्छा, थाना गए थे? थाना गए थे, थाना में मैंने 3 दिन दौड़ा थाना ने, लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। क्या बोले थानेदार? थानेदार बोल रहे हैं कि आप लिख दो हम करेंगे, और जब जा रहे हैं तब वो हमको टाल रहे हैं, गंदे अभद्र वर्ड बोल रहे हैं। थानेदार भी? जी हाँ, थानेदार ने बोला। मेरी सिस्टर गई, उसके साथ भी बदतमीजी किया थानेदार ने। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? बस हम कुछ नहीं बोले थे, मेरे पिताजी मेरे इतने दिन से थोड़ा बहुत जो खर्च दे रहे थे, मैंने थोड़ी सी खर्च अपनी छोटी बहन और बड़ी बहन से ले करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। पिताजी बोले अब हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। फिर हमने बोला ठीक है, आप हमको 1 रुपया नहीं दीजिएगा तो हम कमा के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हम रहते तो कहीं भी रह जाते, लेकिन मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं। पापा जी क्या करवाते थे? पापा जी मेरे दुकान में जितना भी मिठाई है, लड्डू है, सिंगारा का पट्टी है, समोसा सब बनवाते थे, उनके काम करते थे, तब वो मुझे खाना और मेरे बच्चे का परवरिश करते थे उनके बदले में। जिस दिन नहीं करते थे उस दिन नहीं होता था। और जब मैंने उसने बोला कि आप हमसे तुम्हारा खर्च नहीं उठेगा, 1 रुपया भी नहीं देंगे, तब हमने बोला ठीक है, हम अपने से कमा के सक्षम है कमा के बच्चे को पोसने के लिए। तब हमने थोड़ा सा दुकान पे ही प्याज आलू लेकर के बैठ गया बेचने के लिए,
कहाँ पर? मेरे पापा जी के ही दुकान है। कहाँ है आपके पापा का? साहेबगंज चौक। कौन था? अरुण मिष्ठान भंडार। कौन थाना पड़ता है वो? विश्वविद्यालय थाना। अच्छा, वहाँ जो आप आलू प्याज बेच रहे थे वहाँ से भी आपको भगा रहे ना? जी हाँ, मेरे आलू प्याज छिड़िया दे रहे थे। कौन? गाली गलौज कर रहे थे मेरे पापा और मेरे बड़े भाई। रोड पर बेच रहे थे कि दुकान पर? दुकान पे बेच रहे थे। उन्हीं के दुकान पर? जी हाँ। दो दुकान है? दुकान दो है, तो मैंने बोला कि एक में आप लोग करो, एक में मुझे कमा के खाने दो। तो उसने बोला ना तुम्हें यहाँ रहने देंगे ना खाने देंगे, तुम्हारा एक एक सामान फेंकेंगे। घर से सामान फेंकने की धमकी मिली और दुकान से आलू प्याज फेंक दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका कुमारी है। पति का नाम? निरंजन सा। आपके पिता का क्या नाम है? अरुण सा। कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं। अभी यहाँ कहाँ आई हैं? मैं यहाँ SSP के पास आई हूँ, क्योंकि मेरे थाना में शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। दो दिन से मैं दौड़ रही हूँ, मार खाई थी उस दिन भी गई। थाना ने सीधा बोला कि यहाँ खून जब तक नहीं बहेगा तब तक केस दर्ज नहीं होगा। कौन बोला? खून बह के। अब थाना अधिकारी थे कौन थे नहीं पता मुझे। पुलिस मतलब थाना में आपको बोला गया? जी हाँ, पुलिस विभाग के तरफ। जी हाँ, ठीक। विश्वविद्यालय थाना भेजा जा रहा है कि वहीं पर कार्रवाई होगा, जाके देखते हैं वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, आप लोग पहुँचिए वहाँ, हम लोग जाते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.